उसके ऊपर से एयर ब्लो करो कुछ ऐसे, तो तुम्हें बॉटल के अंदर से एक लाउड साउंड सुनाई देने वाली है। मेरे पास एक बॉटल है, सुनो कुछ ऐसी साउंड आती है। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉटल के अंदर एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है और इसका कुछ रिलेशन है रेजोनेंस के साथ। तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो मेरे पास यहाँ पे एक बॉटल का सिंपल सा मॉडल है, ये देखो, ये बॉटल का ये हो गया ओपन एंड और ये हो गई बॉटल की क्लोज्ड एंड। अब बॉटल के अंदर होने वाले हैं एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स। अब देखो मैं ब्लो करने वाला हूँ एयर यहां से ऐसे, तो क्या होगा कि ये एयर के मॉलिक्यूल्स ये ऑसिलेट करना चालू कर देंगे अपनी पोजीशन के अबाउट। लेकिन देखो ये जो आखिरी वाले एयर के मॉलिक्यूल्स है ये तो फंसे हुए हैं, यहाँ पे तो बॉटल की क्लोज्ड एंड है तो ये तो कहीं ऑसिलेट कर ही नहीं सकते। जैसे ही ये ऑसिलेट करेंगे ये इस क्लोज्ड एंड से टकरा जाएंगे और अपनी सारी एनर्जी लूज कर देने वाले हैं। लेकिन अगर तुम इन मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखो तो इनके पास तो बहुत सारी जगह है, तो यानी कि ये बहुत ज्यादा ऑसिलेट करने वाले हैं और वैसे ही बीच वाले मॉलिक्यूल्स ये थोड़ा कम ऑसिलेट करते जाएंगे। तो यही दिखाने के लिए मेरे पास एक एनिमेशन है। देखो कैसे यहाँ पे एंड वाले मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस एंड वाले ओपन एंड के पास वाले मॉलिक्यूल्स ये बहुत ज्यादा ऑसिलेट कर रहे हैं और बीच वाले मॉलिक्यूल्स ये थोड़ा कम ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये तो हो गई एक बॉटल की बात जिसकी एक एंड ओपन थी और एक एंड क्लोज थी। अब हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज हो जिसकी दोनों एंड्स ओपन है, जैसे कि ले लो एक पाइप, पाइप की दोनों एंड्स ओपन होती है। अब अगर इसके ऊपर भी तुम एयर को ब्लो करोगे ना तो इसके अंदर से तुम्हें एक लाउड साउंड सुनाई देने वाली है, इसके अंदर भी रेजोनेंस होगा और इसके अंदर भी स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होने वाली है। अब उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो इसे मैं हटा देता हूं और यहां पे मेरे पास है एक पाइप का सिंपल सा मॉडल। अब देखो पाइप के ये दोनों एंड्स ये ओपन एंड्स है। अब पाइप के अंदर होने वाले ये ओपन है, दोनों एंड्स ओपन है। अब इसके ऊपर अगर मैं हवा को ब्लो करूं ऐसे तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स ये ऑसिलेट करने लग जाएंगे। अब देखो ये वाली लेयर जो कि ओपन एंड के पास है इसके पास तो बहुत ही खाली जगह है, यानी कि ये बहुत ज्यादा ऑसिलेट करने वाली है। सिमिलरली ये वाली लेयर भी ये भी ओपन एंड के पास है तो ये भी बहुत ज्यादा ऑसिलेट करने वाली है। लेकिन ये बीच वाली बेचारी लेयर ये तो फंसी रह जाएगी, ये बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं करेगी। और उसे समझने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। देखो कैसे ओपन एंड के पास वाले एयर के मॉलिक्यूल्स ये बहुत ज्यादा ऑसिलेट कर रहे हैं और बीच वाली लेयर ये बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं कर रही है, और इन दोनों के बीच की जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ये थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट कर रहे हैं। अब इसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स, न कि मूविंग वेव। क्योंकि देखो जब नॉर्मल मूविंग वेव की बात हो रही थी तो उसमें एक कंप्रेस रीजन बन रहा था और ये कंप्रेस रीजन ये कुछ ऐसे कुछ वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा था ऐसे। लेकिन यहाँ स्टैंडिंग वेव के केस में यहाँ तो कुछ कंप्रेस रीजन आगे की तरफ मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो वेव एक जगह पे ही डांस कर रही है। ये देखो जो बीच का लेयर है जो कि मूव नहीं कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये तो यही का यही है, ये तो आगे जाता हुआ दिख ही नहीं रहा है यार। तो आप अपने पार्टिकल्स के मोशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करने वाला हूँ जो कि इन पार्टिकल्स की इक्विलिब्रियम पोजीशन को दिखाता है। इसका मतलब कि ये हो गया कि पाइप में एयर ब्लो करने के पहले ये एयर के मॉलिक्यूल जो कि इस पाइप के अंदर है ये नॉर्मली इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे, और जैसे ही मैंने एयर को ब्लो कर दिया तो ये पार्टिकल्स ये ऑसिलेट करने लगेंगे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाव। तो देखो ब्लो करने के पहले पार्टिकल्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे और जैसे ही मैंने ब्लो किया उसके कुछ 30 सेकंड के बाद, मान लो कुछ समय के बाद, पार्टिकल्स ये इतनी दूर पहुंच गए अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से। देखो ये वाली पार्टिकल, ये इसकी पोजीशन थी यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये अब इतनी दूर आ चुका है यहां पे। सिमिलरली ये वाला पार्टिकल ये अपने इक्विलिब्रियम से इतना दूर आ चुका है, ये वाला पार्टिकल थोड़ा कम दूर आया है, ये थोड़ा और कम दूर, और ये तो खैर मूव ही नहीं किया, ये तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही है, ये तो ऑसिलेट नहीं कर रहा है। सिमिलरली ये पार्टिकल ये थोड़ा सा दूर गया है, ये थोड़ा और ज्यादा, ये थोड़ा और ज्यादा, और ये पार्टिकल जो कि ओपन एंड के पास था ये सबसे ज्यादा दूर गया है, ये सबसे ज्यादा ऑसिलेट करने वाला है। अब आओ इनके डिस्प्लेसमेंट को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो यहां पे मैंने एक्सिस बना रखी है, ये होगी मेरी एक्स एक्सिस और ये होगी मेरी वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे मैं दिखा रहा हूं इन पार्टिकल्स की इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये कितना दूर है इस ओपन एंड ऑफ ट्यूब से, इस ओपन एंड ऑफ ट्यूब से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना दूर है इसे मैं दिखा रहा हूं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैं दिखा रहा हूं कि पार्टिकल्स कितना डिस्प्लेस्ड हैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो देखो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन तो खैर यहीं पे था ओपन एंड पे, तो यानी कि x = 0 पे,
और ये डिस्प्लेस है लेफ्ट डायरेक्शन में। अब देखो लेफ्ट डायरेक्शन में ये मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड है। अब लेफ्ट डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इसे तो हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से और राइट डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव साइन से। तो यानी कि ये पार्टिकल ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड है मैक्सिमम अमाउंट से, यानी कि x = 0 पे यहां हमारे ग्राफ का पॉइंट आने वाला है कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में, और क्योंकि ये मैक्सिमम है तो इसे में यहां पे बनाने वाला यहां कहीं बना देते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वैसे ही अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये तो यहां पे इतनी दूर है ये ओपन एंड से, और ये डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में और ये थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है, तो यानी कि इसके डिस्प्लेसमेंट में अगर ग्राफ पे बनाऊं तो कहीं यहां पे आने वाली है। देखो नेगेटिव डायरेक्शन में ये यहां पे कुछ आएगी, और अगर इस पार्टिकल की बात करें तो ये तो बिल्कुल भी डिस्प्लेस्ड ही नहीं है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी यहां पे और इसके डिस्प्लेसमेंट है 0, तो यानी कि यहां पे पॉइंट आने वाला है। अब सिमिलरली मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं जो जिसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां ओपन एंड पे थी, तो देखो इसका एक्स पोजीशन ये तो इतना दूर होने वाला है इस ओपन से इतना दूर, और ये डिस्प्लेस है राइट डायरेक्शन में मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ पे इसका पॉइंट आने वाला है। ये हो गई x की पोजीशन यहां पे और इसकी डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम पॉजिटिव, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में कहीं यहां पे होने वाली है इसकी पॉइंट। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ को ड्रॉ करूं तो मेरी ग्राफ कुछ ऐसी आने वाली है। ये ग्राफ ये एक स्टैंडिंग वेव का ग्राफ है ना कि मूविंग वेव का ग्राफ। अब जैसे कि मूविंग वेव समय के साथ साथ आगे मूव करते हुए दिखती है, वैसे ही उसकी ग्राफ भी आगे मूव करती हुई दिखेगी। लेकिन जैसे कि स्टैंडिंग वेव ये समय के साथ साथ एक ही जगह पे स्टैंड करके डांस करती हुई दिखती है ना, वैसे ही उसकी ग्राफ भी एक ही जगह पे खड़े होकर डांस करती हुई दिखेगी। आप उसे समझते हैं। तो देखो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ये एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे ड्रॉ किया है। अब अगर मैं समय को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो ये पार्टिकल्स ये अब और डिस्प्लेस होने वाले हैं। देखो ये पार्टिकल ये तो अपने इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेस हो गया था लेफ्ट डायरेक्शन में, अब ये वापस आना चालू करेगा। तो क्या होगा कि थोड़े समय बाद ये पार्टिकल यहां थोड़ा पास में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट ये अब थोड़ी कम नेगेटिव हो गई, यानी कि ये वाली पॉइंट ये थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाने वाली है। मान लो कि कहीं यहां पे शिफ्ट हो जाएगी यहां पे। अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये तो हमेशा यहीं पे रहने वाला है, ये तो बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं होगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये तो अभी भी यहीं पे रहेगा। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो अब देखो ये पार्टिकल यहां पे था, अब ये भी थोड़ा सा वापस आ चुका होगा अपने इक्विलिब्रियम की तरफ, यानी कि लेस पॉजिटिव, यानी कि ये पॉइंट अब ये यही यहां पे आ जाएगा। तो अगर मैं इन सारी पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपना ग्राफ बनाऊं तो कुछ समय बाद मेरा ग्राफ ऐसा दिखने वाला है, और फिर वैसे ही अगर मैं थोड़ा और समय वेट करूं तो ये पार्टिकल ये थोड़ा और पास आ जाएगी इक्विलिब्रियम के, और ये वाली पॉइंट ये थोड़ा और ऊपर पड़ जाएगी और ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब थोड़ा समय अगर और हम वेट करें तो सारी पार्टिकल्स वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाने वाली है और मुझे ग्राफ एक फ्लैट लाइन दिखने वाली है कुछ ऐसे। और अगर थोड़ा समय और वेट करूं तो ये पार्टिकल जो कि अभी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में था ये अब राइट जाने लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इसकी पॉजिटिव होने लगेगी, यानी कि ग्राफ पे ये वाला जो पॉइंट है ना ये अब पॉजिटिव ऊपर के डायरेक्शन में बनने लगेगा, तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसे आने लगेगा। और वैसे ये वाला पॉइंट ये वाला जो पार्टिकल है ना ये इक्विलिब्रियम पे आके अब वापस लेफ्ट जाने लगेगा, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव हो रही है और ग्राफ का पॉइंट नीचे बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा और वेट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, यानी कि तुम्हें दिख रहा होगा कि समय के साथ साथ ये ग्राफ डांस कर रही है ऊपर नीचे ऐसे, और ये आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि देखो ये बीच वाला पॉइंट ये तो यही का यही है समय के साथ साथ। अब इसे दिखाने के लिए मेरे पास एक एनिमेशन है, देखो कैसे ग्राफ एक ही पोजिशन पे डांस कर रही है ऊपर नीचे और ये आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, तो इसे बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। वैसे तो इसे डांसिंग वेव बोलना चाहिए था, लेकिन चलो उसका नाम स्टैंडिंग वेव ही रख दिया गया है। अब आओ उसके बारे में कुछ छोटी छोटी नोट करने वाली बातें देखते हैं। देखो इस पॉइंट समझ में आया, पॉइंट ये समझ में आया, हमें लगता है कि वो एयर के मॉलिक्यूल्स ऐसे हो गए हैं ना, एयर के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, कि ग्राफ ऐसा हो रहा है जो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, जो इस तरीके से ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक, वो क्रेस्ट और ट्रफ आपस में वो राइट और लेफ्ट आफ्टर सुपरपोजिशन कैंसिलेशन हो जाती है, उन पॉइंट्स पर हर वक्त राइट की और लेफ्ट की आफ्टर रिफ्लेक्शन वेव जो आ रही है जाने वाली और आने वाली वेव सुपर इम्पोज ऐसे हो रही है कि इधर और जाने की डिस्प्लेसमेंट कैंसिल होती जा रही है।